नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर देहात में चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस, चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल। राजेश परिहार गन हाउस में हुई चोरी, चार बंदूकों समेत कई हथियार हुए चोरी। 75 कारतूस दुकान से हुए चोरी, रनिया थाना से चंद कदमों पर हुई चोरी। किरायेदार ने मालिक को दी चोरी की जानकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल में जुटे अधिकारी। घटना चोरी हो गई, सुबह जानकारी थी हमें किरायेदार के द्वारा कि आपके दुकान का शटर टूटा हुआ है। आप राजेश सिंह परिहार, दो डबल बैरल है, दो सिंगल बैरल और 75 कारतूस रिवॉल्वर का है, कुछ बारामूर का, जो भी गिनती एंट्री नहीं की हमने। मुरारी शर्मा किरायेदार है, उसने बताया कि दुकान 5 बजे बंद थी। हमको सुबह बताया 5:53 मुरारी शर्मा ने, भैया आपकी दुकान टूटा हुआ है, आकर देखिए। आकर तब हम आए, देखा फिर हम जाके थाने में सुनने आए। थाना रनिया में राजेश सिंह परिहार गन हाउस है, तो वहाँ पर चोरी की सूचना मिली, जिसको ध्यान में रखते हुए समस्त उच्च अधिकारी, फोरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम एक्टिव हुई है। और इसमें चोरी की बात सामने जो आई है, उसमें कुछ परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ रही है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है और घटना का सफल अनावरण किया जाए। यहाँ पर 2 DBBL और 2 SDBL की बात और कुछ कार्टेज की बात सामने आ रही है। कानपुर देहात में चोरी की घटनाओं से दहशत, राजेश परिहार गन हाउस में हुई चोरी, चार बंदूकों समेत कई हथियार हुए चोरी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।